नमस्ते, आज हम बनाने वाले हैं मेयोनीज मैगी। ये मैगी सबकी फेवरेट होगी, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक ओनियन बड़े साइज़ का, जिसे हमने स्लाइस कर लिया है, एक टमाटर जो हमने बीज निकाल कर चॉप कर लिया है, हरा धनिया। मेयोनीज मैगी है इसलिए इसमें मेयोनीज जाएगा, तो मेयोनीज ही हमने लिया है 2 टेबल स्पून। मैगी मसाला हमने लिया है 1 पैकेट। उसके बाद हमें चाहिए नमक स्वादानुसार, 1 टेबलस्पून हमने लिया है टोमेटो केचप, 1 हमने लिया है चीज़ क्यूब। उसके बाद हमें ऑयल चाहिए 2 टेबलस्पून और 1 ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और मैगी जो हमें चाहिए 2 पैकेट और पानी। आइए हम मैगी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन रखेंगे, उसमें हम ऑयल लेंगे। ऑयल को अच्छा गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम उसमें ऐड करेंगे ओनियन। ओनियन को लाइट ब्राउन करना है, उसे ज़्यादा डार्क करना नहीं है। ओनियन हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली जो हमने बारीक कट कर ली है। इसी के साथ हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें हम नमक डाल देंगे ताकि टमाटर हमारे जल्दी गल जाए। टमाटर हमारे पक चुके हैं, अब इसमें हम ऐड करते हैं मैगी मसाला। इसमें आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो अगर आपके बच्चों को पसंद है, जैसे हरा मटर, कैबेज, कैप्सिकम, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। मेरे बच्चों की ये फेवरेट रेसिपी है तो उनको बहुत पसंद है। ऐड करेंगे टोमेटो सॉस। मेयोनीज आप अपने हिसाब से मेयोनीज कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसमें हम ऐड करते हैं पानी। पानी भी आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हो। अगर आपको मैगी थोड़ी लिक्विडी चाहिए तो पानी ज़्यादा ऐड करें। उसके बाद हम इसमें कटा हरा धनिया डाल देते हैं और उसके बाद इसे बॉईल होने देते हैं। पानी को उबाल आ चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मैगी। ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीज। इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे ढक कर कुक होने देते हैं। मैगी बनके तैयार हो चुकी है, एक बार इसको हम मिक्स कर लेते हैं और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया उस पर डालते हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। मेरे बच्चों की तो ये फेवरेट रेसिपी है। इस तरह हमारी मेयोनीज मैगी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।